दुनिया में कई ऐसे अजूबे हैं जिनके होने का किसी के पास कोई जवाब नहीं। हालांकि आज की पीढ़ी हर वस्तु को साइंस के चश्मे से देखती है और किसी भी रहस्य पर विश्वास नहीं करती, लेकिन अगर हम इतिहास में झांक कर देखें तो हमें कई ऐसी संरचनाएं मिलती हैं जिनसे जुड़े रहस्यों का जवाब साइंस के पास भी मौजूद नहीं है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी ही संरचनाओं से रूबरू कराएंगे जिन्हें विज्ञान भी समझाने में नाकाम रहा है। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। कोणार्क सन टेम्पल। हिंदू धर्म में सूर्य देव को सबसे अहम देवों में से एक माना जाता है, क्योंकि ये एक ऐसे देव हैं जिन्हें देखकर हम उनकी पूजा कर सकते हैं, और यही वजह है कि सूर्य देव के मंदिर भारत के कोने कोने में देखने को जरूर मिलते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं धरती पर मौजूद सबसे भव्य कोणार्क मंदिर की। ओडिशा के पुरी जिले से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रभागा के तट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। इसकी रचना सूर्य के रथ के रूप में की गई है। पौराणिक काल से ही ये मंदिर सूर्य देव को समर्पित था, जिन्हें स्थानीय लोग विरंची नारायण के नाम से जानते थे। दुनिया भर से लाखों पर्यटक इसको देखने कोणार्क आते हैं। बता दें कि कोणार्क शब्द कोण और अर्क शब्दों के मेल से बना है। अर्क का अर्थ होता है सूर्य, जबकि कोण का मतलब कोने या किनारे से होता है। यह 13वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर है। इस मंदिर के पौराणिक महत्व की अगर बात करें तो सुनने में आता है कि भगवान कृष्ण और जामवंती का एक पुत्र था जिसका नाम सांब था। वे दिखने में बेहद सुंदर थे, लेकिन एक बार उनके पिता भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आपत्तिजनक अवस्था में स्त्रियों के साथ देख लिया, जिसके बाद उन्होंने क्रोध में आकर अपने बेटे को बिना कुछ सोचे समझे कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। गुस्सा ठंडा होने पर जब सांब ने उनसे क्षमा मांगी तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र को कोणार्क जाकर सूर्य की आराधना करने का आदेश दिया। सांब ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 साल तक तपस्या की और सूर्य देव को प्रसन्न किया। कहानी और कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर को पहले समुद्र के किनारे बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे समंदर कम होता गया और मंदिर भी समुद्र के किनारे से दूर होता चला गया। इस मंदिर की संरचना की अगर बात करें तो ये इस प्रकार है कि रथ में 12 जोड़े विशाल पहिए लगे हैं और इसे 7 शक्तिशाली घोड़े खींच रहे हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर से जुड़ा एक रहस्य ये है कि एक समय था जब बड़ी से बड़ा जहाज इस मंदिर की ओर खींचा चला आता था। काफी समय तक लोग ये नहीं समझ पाए कि ऐसा कैसे होता है, लेकिन विज्ञान के चश्मे से देखने पर हमें इसका असल कारण पता चलता है। दरअसल सूर्य मंदिर के ऊपरी हिस्से पर 52 टन का चुंबकीय पत्थर लगा था जो समुद्र से किसी भी ठोस वस्तु को अपनी ओर खींच लेता था। मंदिर में इस पत्थर को हर कठोर परिस्थितियों से बचाने के लिए लगाया गया था। इस चुंबक के चलते ही मंदिर में रखी मूर्ति हवा में तैरती रहती थी और इसके असर से समुद्र से गुजरने वाले जहाज इस ओर खींचे चले आते थे। ऐसा कई बार होने से समुद्री जहाजों को भारी नुकसान होता था। ऐसे में अपने जहाज को बचाने के लिए अंग्रेजों ने इस पत्थर को निकाल लिया और अपने साथ ले गए। जैसे ही चुंबक निकाला गया, पत्थर का संतुलन बिगड़ गया। यह पत्थर एक केंद्रीय शिला का कार्य कर रहा था जिससे मंदिर की दीवारों के सभी पत्थर संतुलन में थे। इसके हटने के कारण मंदिर की दीवारों का संतुलन खो गया और वे गिर पड़ी, परंतु इस घटना का कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं मिलता। वृद्धेश्वर टेम्पल। 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया वृद्धेश्वर मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। ये मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से बना हुआ है। पुराने समय में इस मंदिर का निर्माण चोल शासक प्रथम राजराज चोल ने कराया था और आज इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। 13 मंजिल का ये मंदिर पूरी तरह शिव की आराधना में समर्पित है। हालांकि देखने में ये मंदिर काफी खूबसूरत है, लेकिन इसकी वास्तुकला में एक रहस्य जुड़ा हुआ है। इस मंदिर को बनाने में 1,30,000 टन ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन आज तक इस बात से पर्दा नहीं उठ पाया है कि इतनी भारी मात्रा में ग्रेनाइट आया तो आया कहां से। इस मंदिर के आसपास के किसी भी इलाके में ग्रेनाइट नहीं मिलता। यहाँ तक की 100 किलोमीटर के दायरे में भी ग्रेनाइट का कोई भंडार नहीं है। साथ ही साथ इसे जोड़ने के लिए ना तो किसी तरह का ग्लू का इस्तेमाल किया गया है और ना ही सीमेंट का।
ऐसे में सोचने वाली बात है कि इस मंदिर को किस चीज से जोड़ा गया है। दरअसल मंदिर को पजल्स सिस्टम में जोड़ा गया है। हैरानी की बात है कि ग्रेनाइट के पत्थर पर नक्काशी करना या किसी भी तरह के डिजाइन को उकेरना बहुत ही कठिन काम है। ऐसे में चोल राजा ने ग्रेनाइट के पत्थर पर इतनी बारीकी नक्काशी को कैसे अंजाम दिया, ये आज भी एक बड़ा सवाल है। इस मंदिर के शिखर पर स्वर्ण कलश है जो कि एक पत्थर पर रखा गया है। इस पत्थर का वजन 80 टन है और इसे 216 फीट ऊपर तक पहुंचाया गया है। आज तक ये कोई नहीं जानता कि ये कैसे मुमकिन हुआ। इस मंदिर से जुड़े रहस्यों का जाल यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि इससे जुड़ा एक और रहस्य है। जैसा कि हम जानते हैं कि धूप में खड़ी किसी भी वस्तु की शैडो सूर्य की स्थिति के अनुसार दिखती है। सूर्य जिस ओर होगा, शैडो उसके दूसरी ओर ही पड़ेगी। केवल दिन के 12 बजे एक समय होता है जब सूरज सर के ऊपर होता है और उस समय छाया नहीं बनती। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इस मंदिर के गुम्बद की छाया जमीन पर किसी भी समय नहीं बनती। दोपहर में मंदिर के हर हिस्से की छाया जमीन पर दिखती है, लेकिन गुम्बद की छाया नहीं दिखती। ऐसे में ये एक रहस्य बना हुआ है कि ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी काफी समय से इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। भारत में आज भी कई मंदिर ऐसे हैं जिनसे जुड़े रहस्य विज्ञान की सोच से भी परे हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो भारत का सबसे अमीर मंदिर है। ये मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के मध्य में स्थित है। विष्णु भगवान की आराधना करने वाले भक्तों के लिए ये मंदिर काफी खास है, क्योंकि यहाँ भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। देखने में ये मंदिर विशाल किले की तरह लगता है और यही वजह है कि ये ऐतिहासिक मंदिर तिरुवनंतपुरम के पर्यटन स्थलों में से एक है। इस मंदिर का इतिहास 6वीं सदी से मिलता है। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम इस मंदिर में आए थे और यहाँ पूजा अर्चना की थी। ऐसे में माना जाता है कि इस मंदिर को 6वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था, जिसका जिक्र 9वीं शताब्दी के ग्रंथों में भी आता है। लेकिन 1733 में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। यहाँ भगवान विष्णु का श्रृंगार शुद्ध सोने के भारी भरकम आभूषणों से किया जाता है। हालांकि ये मंदिर अपने आप में खूबसूरती की मिसाल है, लेकिन इस मंदिर से जुड़े कुछ रहस्य भी हैं। दरअसल कहा जाता है कि इस मंदिर के भीतर 7 तहखाने हैं। हालांकि ये तहखाने कई साल तक बंद रहे, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इन्हें खोला गया। कोर्ट द्वारा जांच में पाया गया कि मंदिर के तहखाने में भारी मात्रा में हीरे और ज्वेलरी थी, जिनकी कीमत 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा थी। जैसे तैसे तो मंदिर के 6 तहखानों को तो खोल लिया गया, लेकिन जैसे ही टीम ने मंदिर के 7वें दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया तो दरवाजे पर बने कोबरा सांप के चित्र को देखकर काम रोक दिया गया, क्योंकि दरवाजा किसी भी तरह के लॉक से बंद नहीं है और इसे केवल एक गरुड़ मंत्र की सहायता से ही खोला जा सकता है। कहते हैं कि इस मंदिर के तहखाने के गेट पर 2 सांप के प्रतिबिंब लगे हुए हैं, जो इस द्वार की रक्षा करते हैं। इस गेट को कोई तपस्वी गरुड़ मंत्र बोलकर ही खोल सकता है। अगर उच्चारण सही तरीके से नहीं किया गया तो उस आदमी की मौत भी हो सकती है। पहले भी कई लोग इस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उन सभी की मौत हो गई। लोगों की मान्यता है कि 7वें दरवाजे के भीतर बड़ा कोबरा सांप है, जिसके कई सर हैं और उसके आसपास कई नाग ने अपना डेरा डाल रखा है। इसके अलावा मान्यता ये भी है कि मंदिर का 7वां तहखाना सीधे अरब सागर से जुड़ा है। अगर कोई खजाने को हासिल करने के लिए 7वां दरवाजा तोड़ता है या इसमें जबरदस्ती घुसने का प्रयास करता है तो अंदर मौजूद समंदर का पानी खजाने और आदमी दोनों को बहा ले जाएगा। ये पहली बार नहीं था जब मंदिर को खोला गया, बल्कि 1931 में भी इस मंदिर के तहखाने को खोलने का प्रयास किया गया था। एक अखबार में छपे लेख की मदद से हमें इसके संकेत मिलते हैं। लेखक एमिली गिलक्रिस्ट हैच की निगरानी में 6 दिसंबर 1931 दिन रविवार को सुबह 10 बजे के आसपास इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई थी। ये समय मंदिर के पंडितों द्वारा चुना गया था। लेखक का कहना है कि जब मंदिर के तहखानों को खोला गया तो वहाँ भारी मात्रा में सोने से भरे घड़े रखे हुए थे। कोई नहीं जानता कि लंबे समय से इस सोने पर किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी। इस लेख से साफ होता है कि अंग्रेजों के समय में भी इस मंदिर से भारी मात्रा में सोना निकाला गया था, लेकिन उस समय भी 7वें दरवाजे को नहीं खोला गया। ऐसे में कोई नहीं जानता कि 7वें दरवाजे के पीछे
क्या रहस्य है? कोफून, जापान। स्मारक और मंदिरों के रहस्य के बीच हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जो कि रहस्यमय तो है ही, साथ ही एक प्राचीन कब्रिस्तान है। हम बात कर रहे हैं जापान में स्थित कोफून की, जिसे 3री शताब्दी के प्रारंभ और 7वीं शताब्दी के बीच निर्मित किया गया था। बता दें कि कोफून में विशिष्ट रूप से कीहोल के आकार के टीले हैं, जिसमें लोगों को दफनाया जाता था। बता दें कि ये दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान में से एक है, जो कि कीहोल के आकार का है और दुनिया के सबसे महंगे कब्रिस्तान में से एक है। कोफून कोई आम कब्रिस्तान नहीं है, इससे कई रहस्य जुड़े हुए हैं। ये कब्रिस्तान चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ है, जो ऊपर से देखने पर कीहोल जैसा दिखाई देता है। कोफून रहस्यमय इसलिए है क्योंकि प्राचीन समय में लोगों को दफनाने के लिए इसका निर्माण ठीक उसी तरह से किया गया है जैसे मिस्र के लोगों ने पिरामिड का किया था। हालांकि पुराने समय में इस कब्रिस्तान में किसको दफनाया गया, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, लेकिन जापान के लोगों का मानना है कि ये साइट 5वीं शताब्दी के सम्राट निंटोकू के लिए बनाई गई थी। लेकिन इस बात की पुष्टि कभी नहीं हुई है कि उनका या उनके शाही परिवार का शरीर यहाँ दफनाया गया है। इस कब्रिस्तान को की होल शेप में बनाने के पीछे क्या वजह रही होगी, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। 1995 का एक लेख बताता है कि कोफून के नीचे पत्थर के 26,000 टन स्लैब हो सकते हैं, जिसमें तलवार, गहने, मुकुट, प्रतिमाएं और महान देवता के अवशेष मिल सकते हैं। लेकिन आज तक किसी ने भी कोफून के नीचे क्या है इस बात का पता लगाने की कोशिश नहीं की है। वीरभद्र टेम्पल, लिपाक्षी। लिपाक्षी आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर में स्थित है। ये एक छोटा सा गांव है जहां के वीरभद्र मंदिर की ख्याति पूरे विश्व में है। ये मंदिर अपनी ऐतिहासिक और चमत्कारी महत्व के लिए दुनिया भर में लोकप्रिय रहा है। इस मंदिर के इतिहास पर नजर डालें तो ये मंदिर 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। लिपाक्षी में स्थित होने के नाते इस मंदिर को लिपाक्षी के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही साथ इसे हैंगिंग पिलर टेम्पल भी कहा जाता है। ये मंदिर विजयनगर शैली में बनाया गया था और इसके परिसर में 3 मंदिर हैं, जो भगवान शिव, विष्णु और वीरभद्र को समर्पित हैं। इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा पर नजर डालें तो सुनने में आता है कि जब रावण ने सीता को हर लिया था, तब इस मंदिर के ऊपर से गुजरते हुए जटायु ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। जटायु ने सीता माता को बचाने के भरसक प्रयास किए और रावण से युद्ध किया। इस युद्ध में जब वे घायल होकर गिरे तो वो इसी जगह पर जाकर गिरे। ऐसे में भगवान राम ने जटायु को घायल अवस्था में यहीं पाया था और उन्हें उठाने का प्रयास किया था। लिपाक्षी एक तेलुगु शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद उठो पक्षी है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस मंदिर का नाम लिपाक्षी क्यों पड़ा है। इस मंदिर के पास नंदी बैल की मूर्ति है जो 27 फीट लंबी और 15 फीट चौड़ी है। ये मूर्ति एक ही पत्थर से बनी है। ये इंडिया में सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति है और ऐसी मूर्ति दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन केवल ये इस मंदिर की खास बात नहीं है, बल्कि इस मंदिर की सबसे खास और रहस्यमय बात ये है कि इसका एक खंभा हवा में लटका हुआ है। आपको ये शायद सुनने में बेहद अटपटा लगे, लेकिन इस मंदिर में कुल 70 पिलर हैं, जिनमें सभी पिलर जमीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन केवल एक पिलर ऐसा है जो जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है। हैरानी की बात ये है कि इतने साल बाद भी वो पिलर टस से मस नहीं हुआ है। आज के इंजीनियर भी इस बात को समझने में फेल हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। मंदिर के इस पिलर को आकाश स्तंभ नाम से भी जाना जाता है। ये पिलर जमीन से 1/2 इंच ऊपर है। ऐसे में इस पिलर को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। ये 16वीं सदी की इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। कहते हैं कि इस पिलर के नीचे कुछ निकालने से घर में समृद्धि आती है, लेकिन इसके सीधा खड़े रहने के पीछे राज क्या है, ये अंग्रेजों ने भी जानने का प्रयास किया था, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। दरअसल ब्रिटिश काल के दौरान एक ब्रिटिश इंजीनियर ने रहस्य को उजागर करने के लिए खंभे को हिलाने की कोशिश की, जिससे मंदिर का पूरा ढांचा हिलने लगा। इस बात से इंजीनियर इतना डर गया कि वो अपनी जान बचाने के लिए भागा और कभी वापस नहीं आया। यही वजह है कि तब से ये एक राज बना हुआ है। इसके अलावा मंदिर में 24x14 फीट की वीरभद्र की एक वॉल पेंटिंग भी है। इस मंदिर की छत पर बनाई गई भारत की सबसे बड़ी वॉल पेंटिंग है। इसके अलावा मंदिर के खंभों और छत पर महाभारत और रामायण की कहानियां चित्रित की गई हैं। पेट्रा जॉर्डन।
पेट्रा दक्षिणी जॉर्डन में एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक शहर है जो पत्थर से तराशी गई इमारतों और वाटर व्हीकल सिस्टम के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रा लाल चोटियों से घिरा हुआ है जिसकी वजह से इसका रंग लाल है। 1812 में पेट्रा की खोज एक स्विस खोजकर्ता जोहान लुडविग बर्कहार्ट ने की थी। कहते हैं कि पेट्रा एक ऐसी सभ्यता के बारे में बताता है जो कि कहां खो गई कोई नहीं जानता। माना जाता है कि इस शहर को 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नबातियों ने अपनी राजधानी के तौर पर स्थापित किया था और इसका निर्माण कार्य लगभग 1200 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। कहा जाता है कि नबेटियंस नोमेड्स यानी खानाबदोश लोग थे जो कि रेगिस्तान में रहा करते थे, लेकिन इस शहर की स्थापना से वे लोग काफी सभ्य हुए और उनके पास भारी मात्रा में संपत्ति आ गई। आज के समय में पेट्रा एक मशहूर पर्यटक स्थल है जो होर नाम के पर्वत की ढलान पर बना हुआ है और पहाड़ों से घिरे हुए बेसिन में है। आज के समय में यह शहर जॉर्डन के लिए बेहद महत्व रखता है क्योंकि यह उनके लिए कमाई का एक जरिया है। दुनिया भर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं, लेकिन इस ऐतिहासिक शहर से जुड़ा रहस्य बेहद कम लोग जानते हैं। सोचने वाली बात है कि पेट्रा का इतिहास नबेटियन से जुड़ा हुआ है, लेकिन सदियों से कई अलग अलग जनजातियों और देशों द्वारा कब्जा लेने की वजह से इनके बारे में काफी कम जाना गया। आज भी हम नहीं जानते कि पेट्रा के इतिहास की शुरुआत कब हुई, इस शहर को बसाने वाले नबेटियंस लोग कहां से आए थे और वो कौन लोग थे। हालांकि ये माना जाता है कि वे अरब प्रायद्वीप के दक्षिण से आए प्रवासी थे, लेकिन इस बात के सच होने के सबूत नहीं मिलते। नबेटियंस ने इस शहर को कैसे बसाया और उन्होंने इतनी भव्य इमारतों को बनाने के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया, इस बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। कहते हैं कि इसकी संरचना को देखकर लगता है कि पेट्रा आधा बनाया गया था और इसके स्मारक पत्थर की चट्टानों और पहाड़ों को काटकर बनाए गए थे जो सूरज के उगते और डूबते समय रंगों के पूरे स्पेक्ट्रम को दिखाते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट आज भी इस सवाल का जवाब तलाशते हैं कि उन्होंने इतनी सुंदर संरचनाओं को विशाल चट्टानों के किनारे पर क्यों उकेरा। आज भी इस शहर की केवल 15% भाग की खोज की गई है और 85% भाग अभी भी भूमिगत है। 363 ईस्वी में आए एक भूकंप से लगभग आधा शहर जमींदोज हो गया था और आज भी खुदाई के माध्यम से इस शहर को ढूंढने का काम चल रहा है। बालबेक लेबनान। भारत के मंदिर की बात तो खूब हो गई, लेकिन लेबनान में एक ऐसे मंदिर के खंडहर मिलते हैं जिनसे जुड़े रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए हैरानी का विषय बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं लेबनान के बालबेक मंदिर की, जिसके परिसर में दो मंदिर हैं, जिनका नाम बेकस टेम्पल और जुपिटर टेम्पल है। बेकस मंदिर को इंपीरियल रोमन आर्किटेक्चर का एक पुरातात्विक और कलात्मक साइट माना जाता है और यही वजह है कि इसे 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा मिला था। बता दें कि सदियों से इस मंदिर को बचा कर रखा गया है। ये रोमन मंदिरों के पुराने खंडहरों में से एक है, लेकिन ये किस शताब्दी में बनाया गया इसको लेकर भी कई विवाद चले आ रहे हैं। बता दें कि ये मंदिर रोमन साम्राज्य के सबसे रहस्यमय खंडहरों में से एक है। बालबेक मंदिर के परिसर में दो मंदिर बने हैं और दोनों काफी रहस्यमय हैं। इसके कॉम्प्लेक्स में बने टेम्पल ऑफ जुपिटर की अगर बात करें तो इसे दुनिया का सबसे बड़ा रोमन टेम्पल कहा जाता है, लेकिन इस टेम्पल को डिजाइन किसने किया और इसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ ये हम नहीं जानते। दलीलें दी जाती हैं कि टेम्पल ऑफ जुपिटर को बनाने का कार्य 16वीं शताब्दी में शुरू किया गया था और 60 एडी तक इसे बनाकर खत्म किया गया था। बता दें जुपिटर का मंदिर एक बड़ी प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। ये प्लेटफॉर्म 23 फीट ऊंचा है जिसमें कई स्तंभ खड़े किए गए हैं। शायद आपको हैरानी हो, लेकिन इस मंदिर में बने ऊंचे ब्लॉक को तैयार करने के लिए भारी मात्रा में निर्माण कार्य किया गया था। कहा जाता है कि रोमन साम्राज्य में जुपिटर देवता को समर्पित ये सबसे बड़ा मंदिर था। इस मंदिर के पिलर लगभग 2.5 मीटर के डायमीटर के साथ 30 मीटर ऊंचे हैं। इसके भव्य निर्माण को देखकर लगता है कि इस विशाल मंदिर परिसर को बनाने में 3 शताब्दियों का समय लगा होगा। इसी तरह बेकस टेम्पल की अगर बात करें तो ये मंदिर बेकस देवता को समर्पित था, जिन्हें वाइन और ग्रीप हार्वेस्ट का देवता माना जाता है। बता दें कि बेकस ग्रीक देवता डायोनिसियस का रोमन नाम है। इस मंदिर के भीतर बनी शेर, बैल और चील की नक्काशी को इतनी अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है कि ये आज भी अच्छी स्थिति में है। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण 150 एडी और 250 एडी के बीच किया गया था।
और इस मंदिर को रोमन एम्परर एंटोनाइनस पायस द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसे बनाने वाले आर्किटेक्ट के बारे में आज भी कोई जानकारी नहीं मिलती। ऐसी मान्यता है कि एंटोनाइनस पायस चाहते थे कि बालबेक क्षेत्र के लोग रोमन शासन को बहुत सारा सम्मान दें, इसलिए उन्होंने मंदिर के प्रवेश द्वार के पूर्वी किनारे पर दो टॉवर्स का भी निर्माण किया था, ताकि स्थानीय लोग रोमन शासन को आसानी से पहचान सकें। हम नहीं जानते कि इतने भव्य मंदिर को किसने बनाया और उस समय बिना तकनीकी के इतने भव्य मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। जैसा कि हमने बताया कि बालबेक के मंदिरों का निर्माण एक बड़े प्लेटफॉर्म पर हुआ है, ऐसे में सवाल आता है कि इतने बड़े पत्थरों को वहां तक बिना साधन के कैसे ले जाया गया। हालांकि आज ये मंदिर किसी खंडहर से कम नहीं, लेकिन इन्हें बेहतर तरीके से संरक्षित किया गया है। कैलाश मंदिर एलोरा। मंदिर तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन एलोरा के प्राचीन शिव मंदिर की बात ही अलग है। शिव को समर्पित ये मंदिर केवल अपनी वास्तुकला की वजह से चर्चा का विषय नहीं रहता, बल्कि इसके रहस्य वैज्ञानिकों को भी हैरान करने वाले हैं। इस मंदिर के रहस्य से विज्ञान भी टक्कर नहीं लेता है। 7वीं सदी में बने इस मंदिर का आर्किटेक्चर आर्कियोलॉजिस्ट को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि उस जमाने में ऐसे मंदिर बने तो बने कैसे। ये मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इस अनूठे मंदिर की ऊंचाई 90 फीट है। ये 276 फीट लंबा 154 फीट चौड़ा है। मंदिर में विशाल और भव्य नक्काशी है। कहते हैं कि कैलाश मंदिर विरूपाक्ष मंदिर से प्रेरित होकर राष्ट्रकूट वंश के शासन के दौरान बनाया गया था। यूं तो अजंता में कई बौद्ध गुफाएं और कई हिंदू मंदिर मौजूद हैं, लेकिन एलोरा की गुफाओं में सबसे खास है कैलाश मंदिर। कहते हैं शिव का ये दो मंजिला मंदिर एक ठोस चट्टान को काटकर बनाया गया है। साथ ही साथ मंदिर को एक ही पत्थर की शिला से बनाया गया था और इसे बनाने में 2 या 3 साल नहीं बल्कि 150 साल का समय लगा था। इस मंदिर को बनाने के लिए करीब 7000 मजदूरों ने मिलकर काम किया ताकि शिव के इस भव्य मंदिर का निर्माण हो सके। कैलाश मंदिर देखने में जितना खूबसूरत है, उससे ज्यादा खूबसूरत इस मंदिर में किया गया काम है। आमतौर पर हम किसी भी इमारत को बनाने के लिए उसका निर्माण नीचे से शुरू करते हैं और फिर ऊपरी हिस्से को बनाते हैं। भवन और मंदिर का निर्माण करने के लिए पत्थरों के टुकड़ों को एक के ऊपर एक जमाते हुए बनाया जाता है, लेकिन इस मंदिर को बनाने में एकदम अलग तकनीक अपनाई गई है। इसे ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है, यानी आसान शब्दों में कहें तो इस मंदिर को बनाने के लिए एक पहाड़ के ऊपरी हिस्से को तराश कर पहले मंदिर का ऊपरी हिस्सा बनाया गया, फिर धीरे धीरे पहाड़ को ऊपर से नीचे काटते हुए बाकी हिस्से का भी निर्माण किया गया। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मूर्ति बनाने वाला पहले एक पत्थर को चुनता है और फिर उसे तराशता हुआ मूर्ति का निर्माण करता है, ठीक उसी तरह इस मंदिर को भी बनाया गया था। आज के समय में ऐसा मंदिर बनाना उतना भी आसान नहीं है, लेकिन सवाल आता है कि उस समय ऐसा मंदिर कैसे बनाया गया। पहले के समय में ना तो 3D डिजाइन सॉफ्टवेयर, CAD सॉफ्टवेयर और छोटे मॉडल्स होते थे और ना ही कोई इंजीनियर। ऐसे में इतने भव्य मंदिर का निर्माण विज्ञान के लिए भी पहेली है। हम आज इन सभी तकनीकी का इस्तेमाल करने के बाद भी ऐसा भव्य मंदिर नहीं बना सकते। इस मंदिर की प्लानिंग पर एक नजर डालें तो पाते हैं कि पत्थर को खोखला करके मंदिर के खंभे और द्वार की नक्काशी की गई। इसके अलावा मंदिर को बाढ़ बारिश से बचाने के लिए पानी को संचित करने का सिस्टम और नालियां भी बनाई गईं। साथ ही साथ मंदिर के छज्जे में खूबसूरत डिजाइन को भी बनाया गया। इतना सब कुछ बिना किसी प्लानिंग और तकनीकी के बनाना संभव नहीं है। ऐसे में ये मंदिर आर्कियोलॉजिस्ट को हैरानी में डालता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये इतनी प्राचीन संरचनाएं कैसे और किसने बनाई होंगी? क्या इन्हें बनाने में एलियंस का हाथ था, या फिर हमारे पूर्वज इतने इंटेलिजेंट थे कि वो हमसे भी ज्यादा एडवांस तकनीकी को जानते थे? हमें कमेंट कर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।